मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा विश्व इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहा है। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब रामलला अपने भवन लौट रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मंदिर में भगवान श्री राम के साथ माता सीता नहीं विराजेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रभु श्री राम अयोध्या में माता सीता के बगैर क्यों विराजेंगे। एकड़ में बनने वाले राम मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति अकेले स्थापित होगी। इसमें माता सीता की प्रतिमा नहीं होगी। चंपत राय ने इसकी वजह भी बताई है। राम मंदिर के गर्भगृह तक जाने से पहले लंबा रास्ता तय करना होगा। मंदिर का प्रवेश पूर्व दिशा में बने सिंह द्वार में होगा। यहां से 32 सीढ़ियां चढ़कर सबसे पहले रंग मंडप मिलेगा। यहां भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्र और किरदार दीवारों पर उकेरे गए हैं। रंग मंडप से आगे चलने पर नृत्य मंडप पड़ेगा। गर्भगृह के सबसे नजदीक यही जगह है। नृत्य मंडप में देवी देवताओं की मूर्तियां, रामायण की चौपाइयां पत्थरों पर बहुत सुंदरता से उकेरी गई है। नृत्य मंडप से आगे बढ़ने पर भगवान का गर्भगृह पड़ेगा। जन्मभूमि परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 7 और मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। इसमें भगवान राम के गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, अगस्त्य मुनि, राम भक्त केवट, निषाद राज और माता शबरी के मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण 2024 तक पूरा हो सकेगा। बता दें मंदिर के जल्दी निर्माण के लिए देश भर के 4000 मजदूर इसमें लगाए गए हैं। इंटरलॉकिंग की मदद से पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़े जा रहे हैं। इसमें तांबे के तार का प्रयोग खास तौर पर किया जा रहा है। लोहे का इस्तेमाल 0% है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं किया गया। परिसर को हरा भरा रखने के लिए 50 फ्लोरा फैमिली के 500 से ज्यादा पेड़ पूरे परिसर में लगाए जा रहे हैं। अयोध्या की मिट्टी बलुई और भुरभुरी है। IIT टेक्नोक्रेट्स की मदद से 40 मीटर नीचे तक यहां खुदाई करवाई गई। 2,00,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई गई। पानी से बचाव के लिए जमीन से 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट लगाया गया और गर्भगृह में सफेद मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया। ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट से राख आई है। पत्थर राजस्थान के भरतपुर से आए हैं। वुडन कार्विंग के लिए तमिलनाडु से मजदूर पहुंच रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं इतने आकर्षक और भव्य श्री राम मंदिर में भगवान बिना माता सीता के आखिर क्यों विराजेंगे। इसकी वजह बताते हुए चंपत राय ने कहा, मुख्य मंदिर 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। परिसर के जिस गर्भगृह में रामलला विराजेंगे वहां पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। सबसे खास बात यह है कि जो मूर्ति स्थापित होगी वह उस स्वरूप की होगी जिसमें भगवान की शादी नहीं हुई है। यानी मुख्य मंदिर में आपको माँ सीता की मूर्ति नजर नहीं आएगी। यानी भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी। यह राम का वो स्वरूप होगा जिसमें वो 5 साल के बालक के रूप में होंगे। क्योंकि मूर्ति भगवान के बाल स्वरूप की है, इसलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में माता सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। VK न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी।